मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन की सभी कैटेगरीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन की लास्ट कैटेगरी पढ़ेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने चेन रूल, प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सम वॉट सिमिलर टू दैट। जैसे डिफरेंशिएशन में आपको याद होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर एक्स टाइम साइन एक्स आता था, तो आपने देखा होगा कि दो अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस थी कि आप चाहे इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, चाहे इसको मान लें। तो चलिए, हमने एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना, जो बचे उसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। अब प्लस इसको बाहर लीजिए, जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ उसको डिफरेंशिएट करिए। तो ये आता था एक्स टाइम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स का डिफरेंशियल तो वन होता है, वन इन टू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दिस वॉज अबाउट डिफरेंशिएशन। लेकिन इमेजिन करिए कि यही सेम चीज अगर आपको इंटीग्रेट करने को दे दी जाए, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टाइम्स साइन एक्स डी एक्स, तो इसके लिए हम लोग एक हेल्प लेते हैं एक चीज की, इसका नाम है लियाट। क्या नाम है? लियाट। एल से होता है लॉग, आई से इनवर्स, ए से एलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। नोट बाद में कर लीजिएगा। अब इसमें जो भी फंक्शन इसमें ढूंढेंगे, लॉग दिखा कहीं? नहीं दिखा। लॉग दिखा कहीं बताइए? नहीं दिखा। इनवर्स दिखा? नहीं दिखा। एलजेब्रिक दिखा? यस, एक्स इज योर एलजेब्रिक। जो दिख जाए उसको बाहर ले लो। अब बचा हुए को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन का सिंबल बनाओ और डी बाई डी एक्स क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे और फिर एक और इंटीग्रेशन बनाओगे और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे और फिर इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करोगे। ये एक रूल है, इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। अब देखिए, एक्स का डिफरेंशियल तो वन हो गया, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हुआ तो यहाँ प्लस हो गया और फिर से इनका इंटीग्रेशन स्वागत कर रहा है बाहर। ये देखिए ना, ये सिंबल है, ये माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स और प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर, पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट वैरायटी ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आते हैं हम लोग सेकंड वैरायटी की तरफ। मान लीजिए आपको दिया है एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक। यहाँ पे भी वही काम करना है, यहाँ पे लिखना है लियाट, एल आई ए टी, लियाट। और उसके बाद हमें देखना है लॉग है नहीं है, इनवर्स है नहीं है, एलजेब्रिक है यस, एलजेब्रिक को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ बनेगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। एलजेब्रिक दिखा, बाहर लिया, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, माइनस लगाया और डी बाई डी एक्स क्या किया? इसको पहले बाहर लिया था, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे सिस्टम से जो भी बचेगा उसको। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर साइन से क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या होगा? टू एक्स, और साइन से क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉस एक्स प्लस टू, और यहाँ पे क्या होगा? एक्स टाइम्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए फिर से आ गया ना, फिर से लिया लगा सकते हैं हम। क्या होगा? लॉग दिखा नहीं दिखा, इनवर्स दिखा नहीं दिखा, एलजेब्रिक दिखा यस, दिख गया। इसको एज इट इज रखे हुए हम लोग क्या करेंगे? एलजेब्रिक बाहर लिया और बचे हुए को क्या किया? इंटीग्रेट किया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से फर्स्ट फंक्शन इनटू कॉस एक्स डी एक्स एंड होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉस एक्स प्लस टू एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स। देखिए एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? वन, खत्म हो गया। कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। और साइन एक्स को देखो, कॉस एक्स से साइन एक्स निकल के आया, ये वन हो गया, तो साइन एक्स को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको फाइनल इंटीग्रेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस सी। इसे नोट करें आप लोग। चलिए अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग लियाट से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है
कि x इंटू ई की पावर x dx। ठीक, अब एक बात समझ लीजिए, इंटीग्रेशन का कोई भी तरीका इसको सॉल्व नहीं करवा सकता आपसे सिवाय लियट के। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, लियट क्या लिखेंगे, लियट। जोयान इधर देख लो, यहां पे लिखेंगे लियट। एल से होता है लॉग, आई से इनवर्स, ए से एलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। देखो लॉग है कहीं नहीं है, इनवर्स है नहीं है, एलजेब्रिक है यस, एक्स क्या है आपका एलजेब्रिक है बेटा, बाद में नोट कर लेना, एक्स क्या है आपका एलजेब्रिक है, जो भी है एलजेब्रिक जो दिख जाए उसको पहले बाहर लिख लो और जो बचे उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स लगाओ, फिर से फर्स्ट फंक्शन लेके आओ, क्या लेके आओ, फिर से फर्स्ट फंक्शन लेके आओ जो कि क्या है एक्स है, और फिर बचे हुए को इंटीग्रेट कर दो और फिर इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दो। एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रल या डिफरेंशियल कुछ भी करोगे आंसर ई की पावर एक्स ही आता है। एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया वन, ई की पावर एक्स का क्या हो गया ई की पावर एक्स, यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का एज इट इज, तो एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आपकी सेकंड कैटेगरी है, इसे नोट करें आप लोग। नेक्स्ट सुनो, जैसे मान लीजिए आपको दिया है e की पावर x टाइम साइन x dx, ठीक, ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब भी एक्सपोनेंट के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाओ, खास करके साइन और कॉस x, तब आपको इसको शुरुआत में ही क्या मान लेना है, i के इक्वल मान लेना है, क्या मान लेना है, और फिर आगे प्रोसीड करना है, इसके पहले कुछ नहीं कर सकते आप। ये क्यों, और इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो। अब इसमें लगाओ आप लियट, क्या लगाओगे, तो लॉग दिखा कहीं, इनवर्स एलजेब्रिक नहीं, कहाँ एलजेब्रिक कहाँ, ये तो एक्सपोनेंट है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा, यस ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी दिख जाए उसको बाहर ले लो। अब क्या करो, फिर क्या करोगे, फिर तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन होता है, फिर से होल इंटीग्रल, ये बात समझ में आई या नहीं आई। अभी की पावर एस का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। साइन एस का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स ई की पावर। अब देखिए फिर से यहाँ पे लियट लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ई की पावर एक्स साइन एक्स, सुनो सुनो सुनो, अब सुनो, फिर से लियट लगाओ, लॉग दिखा नहीं, इनवर्स अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा, तो कॉस एक्स को आप बाहर लेंगे, e की पावर एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डी वाई डी एक्स, और फिर से यह वाला कॉस एक्स इंटू e की पावर एक्स डी एक्स और होल डी एक्स। बोलो भाई ये क्या आएगा, e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस क्या हो गया ये कॉस एक्स, e की पावर एक्स क्या होता है, e की पावर एक्स ही होता है, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन लगा है ना बाहर, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और ये dx लगा हुआ है। एक बात गौर करें, ये किसके बराबर आया है, ये आपके i के बराबर आया है, किसके बराबर आया है, i के बराबर, और ये i ही चल रहा है, तो जरा देखो e की पावर x साइन x माइनस कॉस x इंटू e की पावर x माइनस माइनस क्या होगा, e की पावर x साइन x होगा या साइन x e की पावर x होगा, इसके जगह i लिख सकते हैं ना, i को इधर ले आओ, तो 2i हो जाएगा, इसमें से e की पावर x कॉमन ले लो, तो आपका i जो फाइनली रिजल्ट आएगा e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x, वेट सी, ये आंसर आ गया। हाँ, अब एक कैटेगरी ऑफ इंटीग्रेशन और बचा हुआ है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा इंटीग्रेशन में कभी लॉग एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाया गया है कि लॉग एक्स का इंटीग्रल ये आता है, चाहे आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे आपका कॉस इनवर्स एक्स हो, इनका इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इनके डिफरेंशियल का फॉर्मूला है। लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, 1/x, लेकिन अब लॉग एक्स का इंटीग्रल क्या है वो भी हम लोग लियट की हेल्प से करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, पहला वैरायटी है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स टाइम्स डी एक्स, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लियट, क्या लिखेंगे,
लियाट, लेकिन लियाट के लिए क्या है, मिनिमम दो फंक्शन का होना जरूरी है। तो एक यहाँ हम कांस्टेंट फंक्शन मान लो, कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने वन इमेजिन कर लिया, क्या कर लिया यहाँ पे हमने वन इंटू में इमेजिन कर लिया, और जो कि हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल में भी वन ही है मल्टीप्लाई। अब देखो क्या दिख रहा, पहले लॉग है इसमें कहीं, यस, तो मतलब लॉग को आप क्या करेंगे बेटा, बाहर ले लेंगे, और बचा क्या वन, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर वही तरीका, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, लॉग एक्स ले लेंगे, और इनटू क्या करेंगे वन डी एक्स कर लेंगे, और पूरे को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या आएगा, लॉग एक्स, इसका वन का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, वन बाई एक्स, और एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, वन का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स, यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा, एक्स टाइम्स लॉग एक्स, एक्स टाइम्स लॉग एक्स माइनस, यहाँ क्या बचा वन डी एक्स, और वन क्या होता है, एक्स होता है, प्लस सी कर दो भाई, वन का इंटीग्रल क्या होगा, वन डी एक्स क्या होता है, बेसिकली डी एक्स क्या होता है, एक्स ही तो होता है इंटीग्रेशन में। सुनो, सेकेंड कैटेगरी क्या है आपकी, सेकेंड कैटेगरी है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वही काम यहां भी करना है। मान लेंगे कि वन यहाँ पे इंटू में है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे यहाँ पे एल आई ए टी ई, लियाट, लियाट लिखा हमने, अब लिखने के बाद क्या होगा, लॉग दिखा नहीं, दिखा इनवर्स दिखा, यस इनवर्स दिख गया, मतलब इनवर्स को क्या करना है बेटा, बाहर लिख लेना है, और बचे हुए को क्या करना है, इंटीग्रेट, फिर क्या करना है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स एंड होल इज इंटीग्रेटेड अगेन। तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंशियल, वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा, एक्स टाइम्स डी एक्स, तो क्या आया, एक्स को प्रिफरेबली इधर लिख लो, एक्स टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम आई मान के सॉल्व करें, क्या मान के, आई मान के सॉल्व करें, तो एक्स टाइम्स डी एक्स बराबर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, आप वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर को मानेंगे टी स्क्वायर, तो कितना आएगा, माइनस टू एक्स टाइम्स डी एक्स बराबर टू टी डी टी, कट गया, तो एक्स टाइम्स डी एक्स बराबर माइनस टी डी टी। इसको वापस यहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे जब वापस रखेंगे तो आई बराबर कितना आएगा, एक्स डी एक्स बराबर क्या आया है, माइनस टी डी टी, और यहाँ पे क्या है, इसको टी स्क्वायर माना है तो रूट के अंदर रहेगा ये, तो माइनस टी डी टी, और ये रूट से बाहर होगा तो सिंपल हो जाएगा, माइनस एक तरह से यहाँ बचा कितना, वन डी टी, और वन क्या है, टी है, और टी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से टी की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, ये हो गया एक्स टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस ये है यहाँ पे पहले से लगा हुआ था, माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, सी लगा देंगे, इसे आप लोग नोट कर लें जल्दी से। माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन, तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसको होल स्क्वायर में तब्दील करना है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है, उसको आधा करते हैं, क्या करते हैं, हाफ करते हैं, इसका हाफ कितना आएगा जरा बताइए, थ्री आएगा, और उसका स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब वन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, अच्छा इनका प्लस थर्टीन यहाँ पे एज इट इज लिखा रहने दो, अब इसका आधा किया कितना आया, थ्री आया, उसका स्क्वायर करो, उसी को ऐड करो, उसी को सब्ट्रैक्ट करो, तो प्लस थ्री का स्क्वायर, और क्या करेंगे, माइनस थ्री का स्क्वायर, ये बैलेंस हो गया, जो चीज़ ऐड किया वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये करने का फायदा क्या मिला हमें, दिख गया साफ साफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इसको लिखा जा सकता है वन डी एक्स तो है ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो एक्स माइनस थ्री का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस थर्टीन माइनस नाइन कितना हो जाएगा, फोर, और फोर का क्या ले सकते हो, टू का स्क्वायर। तो आप देखिए ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि होता है 1/a और टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये होता है। अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे x अकेला तो है नहीं, तो ये इसको x एज्यूम कब कर सकते हैं, जब इसकी पावर 1 हो, क्या हो, इसकी पावर 1 हो और इसका कोई कोएफिशिएंट ना हो। तो देखो x का कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है, पावर 1 है, तो इट कैन बी दिस होल x माइनस 3 कैन बी ट्रीटेड एज x। तो इसको इसको क्या करेंगे हम लोग, आंसर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ये आपका क्या है a है और ये आपका क्या है x है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए मतलब क्या आएगा, 1 अपॉन 2 और टैन इनवर्स x अपॉन ए, x कितना है आपका x माइनस 3 अपॉन 2 और प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 1 अपॉन 1 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अब इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने की सबसे पहली शर्त होती है कि x का कोएफिशिएंट क्या हो, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, तो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला काम 3 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या कर लेंगे 3 को जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे तो 1 बचा मतलब एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 13/3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 10/3। भाई जहाँ पे था वहाँ पे 1 बचा और जहाँ नहीं था वहाँ डिवीजन में चला गया, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर बनाने की प्रक्रिया क्या है, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको आधा करेंगे, तो ये 13/6 हो जाएगा, उसी का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 1 डी एक्स और पॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स, इसका आधा करेंगे तो 13/6 कैसे, हाफ ऑफ 13/3, तो 13/6 आएगा ना, 13/6 को प्लस में ऐड कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे और इसी चीज़ को माइनस करके लिख देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या रहे, बैलेंस्ड रहे, जो चीज़ ऐड किया वही चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब -10/3, ठीक है। अब आप अच्छे से देख सकते हो कि आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर है, क्या है, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देखो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13/6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 13/6, तो ये आया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस 13/3 एक्स आया ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इन तीनों की जगह क्या ले सकते हैं, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 13/6 का स्क्वायर माइनस 10/3, दोनों माइनस में है ना, दोनों माइनस में है, तो आप इनको जरा करके देखें, 13/6 मतलब 169/36 माइनस 10/3, इसका एलसीएम 36 आएगा, 1 माइनस 169 12 माइनस 120, तो ये 49 आएगा, माइनस 49 अपॉन 36, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 7/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या ले सकते हो, माइनस 7/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप फॉर्मूला देखेंगे किससे रिजेंबल कर रहा है, ये 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसको ये आपका क्या हो गया, पूरा पूरा x हो गया, इसको x क्यों माना, क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है और इसकी पावर 1 है, और ये आपका क्या हो जाएगा a, इसी तरह से लगा दो तो आएगा 1/2a मतलब 7/6 log ऑफ x माइनस ए, जो भी x है, x प्लस 13/6 माइनस 7/6 अपॉन x प्लस ए, कितना आएगा, x प्लस 13/6 और प्लस 7/6 प्लस सी। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसे जल्दी से आप लोग नोट कर ले, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, ये है 1dx और रूट के अंदर है 5x स्क्वायर माइनस 2x।
ठीक है। चलिए इसमें करना ये है कि हमें इसका होल स्क्वायर बनाना है। जब भी क्वाड्रेटिक दिखेगा आपको क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। इधर देख लीजिए, बाद में नोट करिएगा। जब भी क्वाड्रेटिक दिखे, मतलब पावर टू एक्स की दिखे, तो आपको क्या करना है, यहाँ इधर देखो, आपको क्या करना है, उसको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हो, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसको आपको क्या करना है, आधा करना है। हाँ, लेकिन इससे पहले भी क्या शर्त है, एक्स स्क्वायर को पहले आप अकेला करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अकेला करेंगे, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या कर देंगे, वन। तो यहाँ से फाइव कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस टू बाई, बोलो हाँ या ना। अभी वन अपॉन रूट फाइव को अलग कर लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई फाइव एक्स। अब क्या करना है, x को कोएफिशिएंट को आधा करना है, इसके कोएफिशिएंट को आधा करेंगे तो मतलब क्या होगा, हाफ ऑफ टू बाई फाइव, तो ये वन बाई फाइव आएगा, तो उसी का स्क्वायर करके ऐड कर दो, उसी के स्क्वायर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि बैलेंस रहेगा सिस्टम। इसके कोएफिशिएंट को आधा किया वन बाई फाइव आया, और उसी का स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो दिख गया आपको साफ साफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो वन बाय रूट फाइव वन डी एक्स अपॉन माइनस टू ए बी है ना, तो एक्स माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, और ये माइनस वन बाई फाइव, तो ये आपका एक्स है। क्यों है एक्स, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट वन है और इसकी पावर क्या है, वन है, और यहां पे ये ए है। तो रूट के अंदर क्या होता है फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से ये रिजेंबल कर रहा है, तो ये किस फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है, वन डी एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो वही चीज यहाँ अप्लाई कर दो, वन बाय रूट फाइव तो रहेगा ही रहेगा, लॉग ऑफ एक्स, जो भी एक्स है, एक्स ये है ना आपका, एक्स माइनस वन बाई फाइव प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। इसे आप लोग नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन में स्पेशल इंटीग्रल्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके सामने हम लेके आए हैं, और उसका सोल्यूशन, उसको सॉल्व करने का तरीका आज सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, जो कि है हमारा x प्लस टू टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। इसके बारे में पहले सोचना है, डायरेक्टली करना नहीं शुरू कर देना है। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि कहीं पे अगर एफ एक्स है तो कहीं ना कहीं आपको एफ डैश एक्स भी मिल जाता है। तो होता क्या है कि डी एक्स हमारा डी टी से रिप्लेस हो जाता है और एक्स हमारा टी से रिप्लेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको टी मानते हैं, मान लीजिए अगर टी मानते हैं, तो हम लोग करेंगे ना कि टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टी माना है एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये कितना आएगा, फोर एक्स प्लस सिक्स टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू वन डी टी। अब यहाँ से फोर अगर मान लीजिए कॉमन लेते हैं, अगर हम यहाँ x बनाना चाहें तो फोर कॉमन लेते हैं, तो x प्लस सिक्स बाई फोर टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू वन डी टी, तो x प्लस थ्री बाई टू टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर डी टी। आप देख सकते हैं किसी भी सूरत में ये चीज़ नहीं बन पा रही है ना। तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि इसका डिफरेंशियल हमें मिल जाए, तो हमें इसमें x और टू के साथ ऐसे क्या कोएफिशिएंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, या क्या कर दे कि हमारा इसका डिफरेंशियल ऊपर मिल जाए, यही तो हमारा टारगेट होता है। अब देखिए करना क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, x प्लस टू को हम लोग क्या मानेंगे, a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या ये डिनोमिनेटर क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव
अब प्लस बी कर लेंगे। ये एक मेथड है जिससे हम लोग इस तरह के इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं जहां पे नीचे का जो एफ एक्स है या कोई भी एफ एक्स एफ डैश एक्स के बराबर ना आ रहा हो या किसी भी तरह से अरेंजमेंट करने पे भी ना आ रहा हो, तब हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला चाहे रट लीजिए चाहे देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जहां पे भी ये केस फेलियर हो जाए, एक तरह से ये केस फेलियर है ना हमारा कि भाई यहाँ पे हम टी मान रहे हैं तो ये बनी नहीं रहा किसी एंगल से, तो क्या करें, तो हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड या एड सब्ट्रैक्ट इसमें कर दें कि इसके डिफरेंशियल की तरह हो जाए। उसके लिए हम लोग करेंगे ए टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला प्लस बी। अब देखिए यहां आपको क्या मिलेगा, ए टाइम्स ये क्या मिल जाएगा, फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस बी, फिर क्या आएगा, फोर टाइम्स ए एक्स प्लस सिक्स ए प्लस बी। अब देखिए यहां पे एज इट इज हमारा x प्लस टू चल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को अलग करेंगे और वेरिएबल्स को अलग करेंगे। तो आप देखिए यहां पे जो x है इसका कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, और यहां पे जो x है इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमारा 4a बराबर कितना आ जाएगा जरा बताइए, 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई यहां से हमारा 1/4। और दूसरा देखिए कॉन्स्टेंट्स है ना ये सब, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो 6a प्लस b किसके बराबर होना चाहिए, 6a प्लस बी शुड बी इक्वल टू योर 2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ना कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल, और वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट के बराबर, मतलब कि x के कोएफिशिएंट के बराबर। अब a बराबर यहां 1/4 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 1/4 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 माइनस 3/2 जो कि आपका आएगा 1/2। तो अब हम x प्लस टू को एक नए अंदाज में लिख सकते हैं इस तरह से, जो कि हमारा a मतलब क्या है, 1/4, बोलिए भाई 1/4, और इसका डिफरेंशियल इस तरह से लिखना है ना, a a की जगह क्या लिख दिया, 1/4 इंटू क्या करना है, 4x प्लस 6 प्लस b कितना आया है, तो मतलब ये सिस्टम हमारा कैसे रिप्लेस हो गया, इस तरह से रिप्लेस हो गया। अब हम वापस कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या करेंगे, x प्लस टू को क्या लिखेंगे, 4x प्लस 6 1/4 प्लस 1/2 टाइम्स dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्लियर है इतना, इसको हम बीच से स्प्लिट कर लेंगे तो एक आएगा हमारा 1/4 ऑफ 4x प्लस 6 टाइम्स dx, और डिवीजन में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। एक तो हमें ये मिल गया, और एक दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 1 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। बोलिए भाई इसको हम लोग मान लेंगे पूरे सिस्टम को i1, क्या मान लेंगे i1, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग मान लेंगे i2। थोड़ा इसका सोल्यूशन लेंदी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, i1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्या आएगा, 1/4 ऑफ 4x प्लस 6 टाइम्स dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। हम लोग करेंगे पुटिंग या पुटिंग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या माना, t। तो यहाँ पे कितना आएगा जरा बताइए, 4x प्लस 6 टाइम्स dx बराबर 1 dt, मतलब ऊपर वाला सिस्टम पूरा चला गया। तो आपका i1 फाइनली क्या मिलेगा, 1/4 ऑफ इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 dt अपॉन डिनोमेटर की जगह क्या माना हमने t। तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ t, t कितना है, तो ये हमें फाइनली जो मिलेगा i1 का सोल्यूशन वो क्या मिलेगा बेटा, 1/4 ऑफ log ऑफ t, t की जगह क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब हम लोग आएंगे i2 की तरफ, इतना आप लोग नोट कर लें, तो फिर दूसरा वाला तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर लेके वही जो तरीका मैंने बताया है क्वाड्रेटिक का, इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लें। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे i2 को, i2 हमारा क्या है, बहुत आसान है, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये 1/2 यहाँ पे है, तो ये तो बहुत बेसिक तरीका है, इसको देखते जाइए, नोट बाद में कर लीजिएगा। क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो मतलब 2 को यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ डिवाइड होगा 2 ना, यहाँ 3x प्लस क्या हो जाएगा
फाइव बाई टू, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर्थ वन डी एक्स अपॉन टू आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे नहीं था तो डिवीजन में चला गया थ्री बचा, यहाँ पे नहीं था फाइव बाई टू हो गया। अब क्या करते हैं भाई, ये जो कोएफिशिएंट होता है एक्स का, बहुत गौर से सुनिएगा, इधर देख लीजिए नोट बाद में करिएगा, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है इसको आधा करते हैं, क्या करते हैं आधा करोगे तो कितना आएगा थ्री बाई टू आएगा, उसी का स्क्वायर ऐड कर दो, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसका आधा किया थ्री बाई टू का इसका स्क्वायर और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो दैट मीन्स कि वन बाई फोर वन डी एक्स एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री बाई टू का क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस थ्री बाई टू आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा थ्री बाई टू का स्क्वायर आएगा प्लस टू इंटू एक्स इंटू थ्री बाई टू, वेरीफाई कर लो थ्री एक्स, मतलब ये तीनों चला गया इस जगह पे, फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई फोर, फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई फोर नहीं नाइन बाई फोर, आठ बीस माइनस अट्ठारह दो, देखो ट्वेंटी माइनस एटीन और एट ट्वेंटी माइनस टू वन बाई फोर कितना आया, यहाँ पे इनका रिजल्ट क्या आया वन बाई फोर, तो वन बाई फोर को क्या ले सकते हो वन बाई टू का स्क्वायर, तो ये कैसे रिजेंबल कर रहा है जरा बताइए, वन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ए इसको कब, ये तो आपका ए हो गया और ये पूरा एक्स है, और एक्स मानने की शर्त क्या है कि एक्स का कोई कोएफिशिएंट ना हो, एक्स का कोई भी कोएफिशिएंट ना हो और पावर उसकी कितनी हो वन हो, तो ये एक्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है, बाकी कुछ भी नंबर ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा वन अपॉन ए, दैट मीन्स आपका आई टू इक्वल टू आएगा, पहली बात तो वन अपॉन फोर यहाँ चला आ रहा है, इसको लिख लो वन अपॉन फोर टैन इनवर्स, अच्छा वन अपॉन ए, ए क्या है वन बाई टू, तो वन अपॉन वन बाई टू और टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है एक्स प्लस थ्री बाई टू, प्लस थ्री बाई टू अपॉन एक्स अपॉन ए कितना है वन अपॉन टू, तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें, टू ऊपर जाएगा बेसिकली ए से काट दो टू, तो आई टू बराबर आपका आ गया वन अपॉन टू टैन इनवर्स, ये वन अपॉन टू टू ऊपर जाएगा तो टू एक्स कर देगा प्लस थ्री, तो देखो ना ये टू जब ऊपर जाएगा तो एक्स से ही मल्टीप्लाई होगा इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो बस बात खत्म हो गई, टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी आई टू आ गया, और आई वन तो आप लोग देख ही चुके हो, कहाँ आया आई वन, आई वन क्या है वन बाई फोर लॉग ऑफ टू एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, तो वन अपॉन फोर लॉग ऑफ टू एक्स प्लस सिक्स एक्स नहीं टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस वन अपॉन टू टैन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, इसे नोट करें आप लोग। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, वन डी एक्स अपॉन रूट के अंदर नाइन एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर। सबसे पहली बात याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करने की गलती ना करिए, क्योंकि आप अगर नेगेटिव कॉमन भी लोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता है, वो भी है सिलेबस में आपके इलेवेंथ में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ तो हम अप्लाई कर नहीं सकते फिलहाल, तो इसको हमें किस तरह से ये रिजेंबल कर रहा है, इट इज़ रिजेंबलिंग लाइक वन डी एक्स अपॉन रूट के अंदर वन, या कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है। अब पहला काम ये करना है कि हमें इसको क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी है, तो होल स्क्वायर बनाने की प्रक्रिया क्या है, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है, पहला काम तो क्या करना है, पहला काम तो एक्स की को, इसके कोएफिशिएंट को तो वन बनाना है, वन बनाने के लिए क्या करोगे फोर कॉमन लोगे, क्या आएगा नाइन एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ क्लियर है, तो वन बाई फोर ये रूट के अंदर निकलेगा बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा टू, तो वन बाई टू को तो आप सेपरेट कर दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, ये एक्स का एक्स क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है नाइन बाई फोर, प्रोसेस क्या है इसके कोएफिशिएंट को आधा करना है, क्या करना है आधा करना है, कितना आएगा
नाइन बाई एट, नाइन बाई फोर मतलब हाफ ऑफ नाइन बाई फोर, तो नाइन बाई एट हो जाएगा, उसी का स्क्वायर करके ऐड कर दो, उसी का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करोगे प्लस नाइन बाई एट का होल स्क्वायर और माइनस नाइन बाई एट का होल स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि सिस्टम हमारा बैलेंस रहे, जो चीज़ ऐड हुई वही चीज़ आपकी सब्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए वन बाई टू वन डी एक्स रूट के अंदर, अब आपको अगर मैं इन दोनों में से, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लूं, यहाँ से इन तीनों में से, देखो इसमें से और इसमें से और इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, इसको नहीं छूना, क्योंकि हमें क्या चाहिए होल स्क्वायर बनाने के लिए, एक स्क्वायर चाहिए, एक नंबर का स्क्वायर, एक वेरिएबल का स्क्वायर चाहिए, एक नंबर का स्क्वायर चाहिए और एक नंबर और वेरिएबल मिक्स होना चाहिए साथ में। तो इन तीनों को हमने सेलेक्ट किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया। पहला काम तो ये करें कि 9 बाई 8 को बाहर ले लेंगे और इन तीनों में से जब माइनस कॉमन लेंगे बाहर तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 9x अपॉन 4, और यहाँ से देखो माइनस कॉमन गया तो ये बाहर आ गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये 9x अपॉन 4 तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस बता दो, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में होगा, ये माइनस ये प्लस में जाएगा, प्लस नाइन बाई एट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, वन बाई टू वन डी एक्स रूट के अंदर क्या आएगा, नाइन बाई एट का होल स्क्वायर। अब ये क्या दिख रहा है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ये बन रहा है आपका x माइनस नाइन बाई एट का होल स्क्वायर, रख करके देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई एट का होल स्क्वायर और माइनस टू एक्स इंटू नाइन बाई एट, देखो नाइन एक्स अपॉन फोर आ रहा है और ये नाइन एक्स अपॉन, तो इसको क्या ले सकते हैं माइनस में, x माइनस नाइन बाई एट का पूरा रूट के अंदर है, इसका रिजेंबलेंस पता है, ये क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, क्या होता है सीधा सीधा, कोई यहाँ वन अपॉन ए नहीं लगता, टैन में लगता है लेकिन यहाँ नहीं लगता, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका ए है और ये पूरा एक्स है, इसको एक्स तभी मानेंगे जब इसकी पावर वन हो, एक्स की पावर क्या हो, अंदर वन हो या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर वन हो और कोएफिशिएंट कुछ ना हो। तो ये वन अपॉन टू क्या करेंगे, वन अपॉन ए मतलब वन अपॉन ए क्या है, नाइन बाई एट और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है, एक्स माइनस नाइन अपॉन एट, अपॉन ए कितना है नाइन बाई एट, तो ये एट पलट के ऊपर जाएगा, तो एट अपॉन टू इंटू नाइन और साइन इनवर्स ये अंदर मल्टीप्लाई करो, एट एक्स माइनस नाइन अपॉन एट अपॉन नाइन अपॉन एट, देखो एट एट कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया फोर, तो आंसर क्या आएगा, फोर अपॉन नाइन साइन इनवर्स, इससे डिवाइड करो, एट एक्स अपॉन नाइन एक आएगा और माइनस नाइन अपॉन नाइन कितना होगा, वन प्लस सी, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसे नोट कर लें। सॉरी, इसमें एक गलती ये हो गई कि वन अपॉन ए करना ही नहीं था, ये जो वन अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए किया ये करना ही नहीं था, वन अपॉन ए इसमें लगता ही नहीं है, तो आपको जो सिंपल आंसर आएगा दैट वुड बी योर वन अपॉन टू, जो कि पहले से लगा हुआ है, वन अपॉन ए तो होता है, मैंने ये चीज़ मेंशन भी करी ये चीज़ नहीं करना, मैंने कर दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आप लोग नोट कर लें, सिर्फ वन अपॉन टू ही रहेगा यहाँ पर, वन अपॉन, ठीक।